नमस्कार आदाब, मैं मयूरी स्वागत करती हूं आप सभी का अपने खास शो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। आज यूपी विधानसभा सत्र का 4था दिन है। कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी RLD के विधायकों ने प्रदर्शन किया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में अपने भाषण के दौरान सरकार को जाति जनगणना पर घेरा। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में। सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जाति जनगणना पर वैसे तो आजकल वो नेता हम लोगों से दूर हो गए हैं। कोई बात नहीं, बोलने दो, वो नींद आ जाएगी अगर नहीं टोकेंगे तो। बोलते रहने दो ना, कुछ तो ठीक है, नहीं तो ये कुछ और करने लगे अध्यक्ष महोदय, फिर आपको डांटना पड़ेगा। किस पार्टी के नेता हैं आप? ना पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं? जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ से। अच्छा नहीं, चलिए वो बात हमारी आपकी हो जाएगी, बात की बात। लेकिन ये बताइए, क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं? 100% चाहते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु से जुड़ गए हैं। विवांशु, यूपी विधानसभा सत्र का चौथा दिन है, वही समाजवादी पार्टी और RLD के विधायकों ने जमकर हंगामा किया है और जाति जनगणना पर सवाल खड़े किए हैं। बजट पेश हुआ, उसके ठीक बाद 22 तारीख को बजट पेश हुआ, यानी कि बजट पेश होने के बाद जो संवैधानिक होता है कि इसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है, अभिभाषण के ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिवादन जो भाषण हुआ राज्यपाल का, उसके ठीक बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने आज विधानसभा के सत्र 4थे दिन पहुंचे। उससे ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की अगुवाई में जाति जनगणना की मांग का नेम प्लेट लेके, यानी कि प्ले कार्ड लेके सदन में कहीं ना कहीं व्यवधान डालते हुए नजर आए। आपको बताएं कि सदन की कार्यवाही आज लगभग 20 मिनट इसको लेकर स्थगित रही। साफ तौर से शिवपाल यादव की अगुवाई में विधायकों का कहना है कि जब बिहार में जाति जनगणना हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि इसको लेकर सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित किया गया। उसके ठीक बाद आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष का भाषण होता है, जिस भाषण में पूरी तरह से देखा जाए तो सरकार को घेरते हुए कई सवाल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सरकार पर सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। अगर बात की जाए तो प्रदेश की शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और साथ ही साथ अखिलेश यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला। वहीं उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ जिसके अंदर में कहा गया कि प्रदेश के अंदर में विकास की रफ्तार आएगी, रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे और जमकर निशाना साधा। साफ तौर से अगर मयूरी देखा जाए तो अखिलेश यादव आज के अपने संबोधन में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में उन्होंने बताया कि सरकार के जो मंत्री हैं विदेशों में जाकर यूपी मॉडल को पेश करने की बात कह रहे थे, तो क्या उन्हें क्या विदेशों में कहीं ऐसे आवारा पशु सड़कों पे दिखे? इन सब मुद्दों को लेकर आज अखिलेश यादव सरकार पे हमलावर हुए। उनका साफ तौर पे कहना था कि जैसे विदेशों में आवारा पशु या सांड सड़कों पे नहीं दिखते हैं, उन सब चीजों को भी उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि राज्यपाल का जो अभिभाषण था उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश
नंबर वन स्टेट है। और उन्होंने अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी गुमराह कर रहे हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश के अंदर में 16वें पायदान पे है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ उन्होंने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि हम दोनों इंजीनियर हैं और जब हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर थे तो जाति जनगणना की बात करते थे, अब पशुओं की बात करते हैं और अब वो किधर है इस बात का पता नहीं, मगर मुझे पता है कि वो मेरे तमाम मुद्दों पे मेरे साथ खड़े हैं। जी विवांशु, जाति जनगणना बिहार से शुरू होकर अब यूपी में चर्चा का विषय बनी हुई है, तो इस पे सरकार क्या कुछ रुख अपना सकती है? जी निश्चित तौर पे बता दें, अखिलेश यादव ने सदन में अपने भाषण के दौरान सरकार को जाति जनगणना पर घेरा है। विधानसभा सत्र का चौथा दिन है जिसमें अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर घेरा है। बता दें, कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी आरएलडी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में अपने भाषण के दौरान सरकार को जाति जनगणना पर घेरा है और अखिलेश ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जाति जनगणना पर वैसे तो आजकल वो नेता हम लोगों से दूर हो गए हैं। कोई बात नहीं, बोलने दो, वो नींद आ जाएगी अगर नहीं टोकेंगे तो। बोलते रहने दो ना, कुछ तो ठीक है, नहीं तो ये कुछ और करने लगे अध्यक्ष महोदय, फिर आपको डांटना पड़ेगा। किस पार्टी के नेता हैं आप? ना पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं? जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ से। अच्छा नहीं, चलिए वो बात हमारी आपकी हो जाएगी, बात की बात। लेकिन ये बताइए, क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं? 100% चाहते हैं। अरे एक बार फिर से संवाददाता विवांशु का रुख करेंगे। विवांशु, जैसे समाजवादी पार्टी के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, आप समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठा रही है, तो क्या लगता है चुनाव को देखते हुए OBC और दलित वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है? जी मयूरी, निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के मानस पर टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं देखे तो समाजवादी पार्टी के अंदर में एक नेताओं के अंदर फूट देखने को मिली, जिसके बाद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से एक फरमान जारी किया, एक लेटर जारी करके कहा गया कि आप रामचरितमानस पर टिप्पणी, ऐसे जो मामले हो रहे हैं इस पर आप टिप्पणी ना दें। उसके ठीक बाद अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने को लेकर जाति जनगणना के मामले पर रफ्तार ला रही है। वहीं अगर बात की जाए तो पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ की तरफ से राज्यपाल ने कश्यप की अगुवाई में प्रदेश के कई हिस्सों में जाकर कल से वो जाति जनगणना के मामले को लेकर संगोष्ठी करते हुए नजर आएंगे। इससे साफ है
कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनावों में ओबीसी और एससी वोट में सेधमारी की तैयारी में है। मयूरी, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें लगभग 32% वोट समाजवादी पार्टी के खाते में गए। इस जो वोट परसेंटेज है उसके ग्राफ में इजाफे को लेकर समाजवादी पार्टी कई पैतवे अपना रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो 2014 से लगातार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी और एससी समाज का वोट में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी इस कोर जो भाजपा की कोर वोटर है उसमें सेधमारी में लगी है। वहीं अगर बात करें तो जाति जनगणना के मुद्दों को कहीं ना कहीं इस बार के सदन में प्रमुखता से प्रमुख विपक्षी दल के तरफ से उठाया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा आज सदन की कार्यवाही से पहले शिवपाल यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के विधायक साफ तौर से जाति जनगणना की मांग को उठाते हुए नजर आए। सदन की पहले दिन की कार्यवाही हुई जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण था, उस दिन आपने देखा कि प्ले कार्ड लेकर सपा के नेता जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। वहीं अगर बात की जाए तो बजट सत्र में भी अगर देखें तो तमाम नेता अपने मीडिया वाइट्स में जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं इस बार की सदन में जाति जनगणना बिहार के तर्ज पर विपक्ष कराना चाहता। अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्ताधारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो इस पर क्या अपना स्वर दिखाता है। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के हिस्सा अपना दल से कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल भी जाति जनगणना को लेकर अपने बयान दे चुके हैं और उनके बयान में साफ है कि वो भी जाति जनगणना के मामले पर कहीं ना कहीं वो अपनी पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जाति जनगणना होनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सदन के पटल पर विपक्ष और तमाम नेताओं के द्वारा ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है इसमें सरकार का क्या रुख रहता है। जी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर असम पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अन्य नेताओं के साथ रायपुर में हो रहे अधिवेशन में शामिल होने जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि नियमों के तहत असम पुलिस की अपील पर कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता AS सिंघवी ने पवन खेड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खेड़ा ने माफी मांगी है और वह एक गलती थी। असम पुलिस की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कुछ ही घंटों में उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। बता दें पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। गिरफ्तारी से पहले कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? फायर देते ना मैजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। बता दें गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अन्य नेताओं के साथ रायपुर में हो रहे अधिवेशन में शामिल होने जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि नियमों के तहत असम पुलिस की अपील पर कार्रवाई हुई है और इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, विवादित बयान के मामले में पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया था, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पवन खेड़ा को राहत मिल गई है। को मयूरी यहाँ पर राहत जरूर मिली है पर ये विवाद जल्दी शांत होने वाला नहीं, क्योंकि ये विवाद इतनी महत्वपूर्ण है कि पवन खेड़ा ने अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर टिप्पणी की, तो उसके बाद
टिप्पणी के बाद उन्होंने ठहाका भी लगाया था और स्पष्ट हो गया था कि टिप्पणी केवल गलती नहीं बल्कि व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी, जिसके बाद से लगातार राजनीति गर्म है और पवन खेड़ा को आज गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद 3 दिन की चार्जशीट रिमांड उनकी मांगी गई, जिसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष की तरफ से जब मांग रखी गई तब उनके यहाँ पर अंतरिम जमानत मिली है। फिलहाल आपको बता दूं इस मामले के बाद उस पर 2 FIR हुई थी, एक एफ आई आर के जो गृहमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बनारस, 5 FIR हुई थी। इसके अलावा 1 FIR उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश से MLC मुकेश शर्मा ने कराई थी, कहीं 2 FIR इनके ऊपर हुई थी। इसके बाद असम पुलिस ने भी वहां पर भी असम में भी 1 FIR इनके ऊपर करी गई थी। उसके बाद 3 FIR के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और इनको गिरफ्तार किया गया था। एयरपोर्ट पर जब ये तमाम नेताओं के साथ रायपुर जा रहे थे, क्योंकि रायपुर जाते समय इनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इनको रिमांड की मांग वहां पर की गई थी। उसके बाद इनको रिमांड मिली है। फिलहाल ये हाई वोल्टेज जामा अभी यहां पर रुकने वाला नहीं है और जामे में तमाम पहलू सामने आने वाले हैं। मयूरी गौरव, अभी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, आगे क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगी है, पर ये प्रक्रिया है, जो मामला है, मामला अगर मान सकते हैं जिसमें जो धारा है कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 से 5 साल की सजा है और यहाँ पर अगर सजा होती तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने वाली बात नहीं होगी। मामला रुकने वाला नहीं है, मामला ये पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गिरफ्तारी की धाराएं भी है और निश्चित रूप से यहाँ पर जमानत मिली है। अगर गिरफ्तारी की धाराएं नहीं होती तो यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया जाता, शायद इनकी ट्रांजिट रिमांड की मांग भी पुलिस नहीं करती। पर गिरफ्तार किया गया एयरपोर्ट से, ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई, उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। तो कहीं ना कहीं ये धारा है, वो गिरफ्तारी की धारा है, तो गिरफ्तारी की धाराओं में सजा का प्रावधान होता है IPC के द्वारा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पवन खेड़ा का जो बयान रहा है वो बयान को लेकर लगातार सरगर्मी बनी है और सरगर्मी इसलिए बनी है क्योंकि वो बयान महज गलती नहीं बल्कि एक फिंगर पर टिप्पणी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के नाम को लेकर। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। बता दें पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिली है विवादित बयान के मामले में, इनको गिरफ्तार किया गया था। यूपी में हुक्का पार्लर चलाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से हुक्का पार्लर चलाने की नीति तैयार कर आवेदन करने वालों को लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है। ते हुक्का बार चलाने के फिर से आदेश दे दिए गए हैं। यूपी में हुक्का बार चलाने की निर्देश बता दें कोरोना के महामारी के बाद से ही हुक्का बार्स बंद कर दिए गए थे। तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी जिसके बाद अब खोलने के निर्देश दे दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से हुक्का पार्लर चलाने की नीति तैयार कर आवेदन करने वालों, और इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, कोविड के बाद से हुक्का बार्स बंद कर दिए गए थे, वहीं अब हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं भी आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि 30 दिनों के अंदर लाइसेंस जारी किए जाएंगे, क्योंकि साफ तौर पर कोविड के समय ये हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गए थे और बता दूं आपको यूपी में जितने भी हुक्का बार है वो सब अवैध है, क्योंकि इसका कोई अब तक लाइसेंस नहीं बनता था यूपी में। तो पुलिस के जो रेस्टोरेंट संचालक है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी आवाज उठाई रेस्टोरेंट संचालकों ने कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी विभाग के अधिकारी उसकी फाइलें लटका देते हैं, तो उसके एवज में हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं 30 दिन के अंदर कोई भी फाइल अटके के लिए सारी फाइलों को कम्प्लीट होना चाहिए। अगर वो अटकने की नौबत आती है तो उसमें कमियां दिखानी पड़ेगी कि क्या कमियां है जिस वजह से हुक्का बार संचालित नहीं हो पा रहा, और कमियां दिखाने के बाद उस फाइल पर कमियां जो दिखेंगी उन्हें दूर किया जाएगा। फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि जो यूपी में सिर्फ हुक्का बार गुलजार होंगे, और अभी फिलहाल कई हुक्का बार ऐसे पकड़े भी जाते रहे लखनऊ और तमाम जिलों में, लेकिन फिलहाल अब बहुत अच्छी खबर है एक रेस्टोरेंट संचालकों के लिए
कि वो अपने रेस्टोरेंट में हुक्का बार चला सकते हैं। जी सागर, ये हुक्का बार्स कब से खुलेंगे, लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, इसका क्या कुछ पूरा प्रोसेस होगा? देखिए कुल मिला के प्रोसेस जो होता है कि इसमें पूरे फूड एंड सेफ्टी 2006 के अधिनियम के तहत ये हुक्का बार के लाइसेंस जारी किए जाएंगे और 30 दिन के अंदर हुक्का बार का लाइसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा और अगर वो चलने के स्थिति में है तो उन्हें शायद 30 दिन के अंदर ही, मान के चलिए हफ्ते भर या 10 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, लेकिन ना चलने की स्थिति में है तो उन्हें 4 दिन बताया जाएगा। तो प्रावधान ये है मयूर की, इसमें आपको सबसे बड़ी बात है कि जो इनके जो मानक होते हैं हुक्का बारों के, उनको लेके चलना है, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो अधिनियम है 2006 के अधिनियम है उनको लेके चलना है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं और बहुत सारी को भी लेके चलना है। जी सागर, ये जो लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं इसकी क्या कुछ समय सीमा है? देखिए समय सीमा की बात करूं मयूरी, तो हाईकोर्ट ने कल ही आदेश जारी किया है और इसके बाद से सरकार को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हुक्का बार संचालित किया गया फिर से, लेकिन उस समय जब हुक्का बार चल रहे थे लखनऊ में या तमाम 75 जिलों में अलग अलग जनपद में तो वो सब अवैध थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से वैध होंगे और इनमें एक महीने की अवधि के अंतर, मान के चलिए ये कल से ही कार्यक्रम शुरू होने वाला, कल से ही जो सीएम योगी सरकार है वो हुक्का संचालकों का लाइसेंस, हुक्का संचालकों की जो प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन है जो भी उनकी जो भी मंजूरी दी जाएगी वो एक महीने के अंदर ही दी जाएगी। जी सागर, पहले इसमें पाबंदी लगा दी गई थी हुक्का बार्स में, अभी क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है इसको लेकर? देखिए कोरोना काल की बात करूं तो उस समय पाबंदी इसलिए लगी क्योंकि आपको पता है कि कोरोना जो महामारी है वो काफी देशों में विदेशों में तमाम जगह फैली थी और ये मान के चलिए इंफेक्शन वाली बीमारियां थी, तो इस वजह से हुक्का बार संचालित नहीं हो पा रहे थे क्योंकि, और दूसरी बात अवैध हुक्का बार थे तो उस वजह से इनका संचालन पूरी तरह से बंद हो गया था, लेकिन कहीं कहीं आज भी देखा ये गया कि हुक्का बार संचालित हो रहे हैं और कहीं कहीं ये भी देखा गया कि रोजाना पकड़े भी जा रहे हैं। तो कुल मिला के गाइडलाइन के तहत एक महीने के अंदर इन्हें जो संचालक हो गए इन्हें लाइसेंस अप्रूव कर दिया जाएगा और इन्हें अनुमति दी जाएगी पूरी तरह से कि हाँ ये हुक्का बार संचालित कर सकते हैं। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। बार्स को बंद कर दिया गया था, वहीं अब खोलने की इजाजत दे दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है और अब ऐसी खबर की जिसका जिक्र लाजमी सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की। यूपी में काबा पार्ट 2 पर उनको नोटिस मिल गया है और उस नोटिस में उनसे 7 सवाल पूछे गए हैं। वहीं नोटिस मिलने पर नेहा सिंह राठौर का गुस्सा भी फूटा है। ट्वीट करके नेहा सिंह ने लिखा है कि हम आह भी भरते हैं तो पा जाते हैं नोटिस, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इतना ही नहीं, इन चंद लाइनों को नेहा ने अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानपुर देहात यूपी पुलिस सीएम योगी ऑफिस को टैग किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेहा ने इस पर जवाब भी मांगा है। नोटिस में ये लिखा हुआ है, मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग दोबारा से यूपी में काबा का सीजन 2 सुनिए और आप लोग मुझे बताइए कि क्या सचमुच उस गाने में ऐसा है जिससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है या फिर समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की मैंने कोशिश करी है या फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है। तो आप लोग भी उस गाने को सुनिए क्योंकि यूपी पुलिस के नजरिए से तो वो गाना जो है ऐसा है कि वो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है ना। तो आप लोग भी सुनिए और मेरे लिए मैटर आप ही लोगों का प्रतिक्रिया करता है कि आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोगों को भी क्या सच में लगता है कि मैंने उस गीत के माध्यम से नफरत फैलाने का काम किया है। तो मुझे आप लोग भी बताइएगा। और उस नोटिस में ये भी लिखा है कि अगर 3 दिन के अंदर मैं उस नोटिस का जवाब नहीं देती हूं तो मेरे खिलाफ जो है उचित कार्रवाई करी जाएगी। इस तरह की चीजें करके मुझे
कहीं ना कहीं डराने का काम किया जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ा डरी भी। पहली बार जब ऐसी चीजें, पुलिस और ये सारी चीजें होंगी, तो थोड़ा डर तो लगता ही, मैं तो घबरा गई थी। पर हिमांशु है वो काफी, वो बड़े धैर्यवान टाइप के, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये चीजें होती रहती है। मैं तो सच में घबरा गई थी, मैं तो करती कि मिलने भी मत जाइए, कौन लोग हैं, और पुलिस के लोगों को झूठ बोलने की क्या जरूरत, इस तरह से कोई झूठ बोल रहा है, पता नहीं हम गए मिलने कौन होगा, सारी चीजें। तो बाकी हाँ, नहीं ठीक है, अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो मुझे बहुत वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं एक बात जो कहना चाहती हूँ, और वो ये मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने गीत, मैं पिछले 2.5 सालों से गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ, कोई भी गीत या कोई भी मेरे शब्द ऐसे नहीं है जो, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये आपत्तिजनक है या असंवैधानिक है, ये नहीं होना चाहिए समाज के लिए, ये सही नहीं है, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह का शब्द मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं भारत का संविधान लेकर के बैठी हुई हूँ, और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो संविधान है मुझे अधिकार देता है बोलने की, पढ़ने की, रहने की, घूमने की, है ना। तो मैं कोई भी काम, मेरा गीत, कोई भी गीत, वो संविधान के दायरे से बाहर नहीं है। तो ये सुना आपने नेहा सिंह राठौर को, पर इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे अपने सहयोगी विवेक शाही से। विवेक, नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा सीजन 2 गाया, वहीं अब उनके हाथों में नोटिस थमा दी गई है जिसमें जवाब मांगा गया है उनसे। विवेक से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। गाना गाया था जिसके बाद उन्हें नोटिस थमा दी गई है, वहीं वो लगातार ट्वीट कर अपनी बात रख रही हैं। उन्होंने कहा है कि हम आ भी भरते हैं तो पा जाते हैं नोटिस, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, ट्वीट कर नेहा सिंह राठौर ने कहा है। एक बार फिर से संवाददाता विवेक का रुख करेंगे। विवेक, यूपी में काबा सीजन 2 नेहा सिंह राठौर ने गाया और उनको हाथों में नोटिस थमा दी गई। देखिए मयूरी, नेहा सिंह राठौर जो है वो किसी परिचय की मोहताज अब नहीं है। अगर बात की जाए, जब उत्तर प्रदेश सरकार अपना पहला कार्यकाल पूरा कर रही थी, कोरोना महामारी के आसपास के समय ही उन्होंने यूपी में काबा एक गाना लाकर तहलका मचा दिया था, और सियासी लेवल पे काफ़ी एक घमासान भी देखने को मिला था। तमाम तरह के विपक्ष के लोग उनके गाने की प्रशंसा कर रहे थे, और जिस प्रकार से वो अपने गानों से सामाजिक कुरीतियों को दिखाती हैं, सरकारी तंत्र के चीज़ों को दिखाती हैं, तो कहीं ना कहीं इसे कुछ लोग इसको लेकर उनके सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इसको लेकर नेहा सिंह राठौर का लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कानपुर देहात के अग्निकांड पर यूपी में काबा सीजन पुलिस ने धारा 160 के तहत उनपे बकायदा नोटिस जो है, कारण बताओ नोटिस 3 दिन का थमा दिया गया है, और 3 दिन के अंदर जवाब तलब की बात कही गई है। विवेक, आप लोगों के बीच गए, नेहा सिंह राठौर को नोटिस दी गई है, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है इसको लेकर? देखिए, जब हम जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर गए कि नेहा सिंह राठौर के गाने पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, आम जन क्या सोचता है किसी लोक गायिका के गाने पे, इस प्रकार से तो लोगों की काफी मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों ने नेहा सिंह राठौर के गाने को सपोर्ट किया, कहा कि वो अपने गाने के माध्यम से जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, सरकारी तंत्र द्वारा जिस प्रकार से गरीबों का शोषण किया जा रहा है उसको वो दिखाने का प्रयास कर रही है, जो एक सराहनीय प्रयास है। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो एक दुष्प्रचार कर रही है प्रदेश सरकार के खिलाफ, लगातार वो प्रदेश सरकार के खिलाफ इस प्रकार से दुष्प्रचार अपने गानों के माध्यम से करना चाहती है, और वो गानों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से लाइम लाइट में आना चाहती है और कुर्सियों में बनी रहना चाहती है, ये मुद्दा लोगों ने बताया।
कार्यवाही कुछ लोगों ने कहा कि ये ठीक है कि आप सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पर बात रखे, अपने अपने तरीके से बात रखे, लोकतंत्र बोलने की आजादी है, व्यक्त की आजादी है, लेकिन सरकार के द्वारा अच्छे कामों का भी जिक्र करना चाहिए, तो लोगों की काफी मिली जुली प्रतिक्रियाएं रही इस पर। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।